नमस्कार। बड़ी खबर है क्योंकि पीएम मोदी से जुड़ी छोटी से छोटी खबर बड़ी बन जाती है देश में। ऐसे में जैसे ही ये खबर आई 7:25 पर एक आग लगने की खबर आई पीएम रेजिडेंस में, 7 लोक कल्याण मार्ग उसे बोला जाता है। और ऐसे में क्योंकि 7 रेसकोर्स मार्ग पहले बोला जाता था, उसका 7 लोक कल्याण मार्ग मोदी के समय में ये नाम बदल दिया गया था, उस रोड के नाम पर था। जब आग लगने की खबर आई 9 फायर ट्रेंडर्स, 9 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वहाँ दौड़ पड़ी और तेज़ी से ये खबर जितनी तेज़ी से फैल रही थी उतनी तेज़ी से उस आग को बुझाया गया। ऐसे में लोग बड़े चिंतित थे कि आखिर हुआ क्या था, क्या पीएम मोदी वहाँ मौजूद थे, क्योंकि देश में ही है। ऐसे में लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया सोशल मीडिया पे भी, मीडिया वालों ने भी पता करने की कोशिश की। फाइनली पीएमओ की तरफ से, जो पीएम का ऑफिस है, वहाँ से जवाब आया कि जो आग लगी थी वो 9 लोक कल्याण मार्ग पर लगी थी। आखिर में ऐसे में लोग चर्चा कर रहे हैं कि 7 और 9 क्या है। मैं आपको बता दूं, 13579 ये 5 बंगले हैं लोक कल्याण मार्ग पर जो प्रधानमंत्री के लिए आरक्षित हैं। 7 में नॉर्मली प्रधानमंत्री वहाँ रहते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम में कई सारे आपने देखा होगा, कई बार सितारे आते हैं मिलते हैं, कई लोग और बाहर के आते हैं, उनकी माँ भी आई थी प्रधानमंत्री की, तो वहाँ रुकी और उन्होंने पूरा घुमाया उधर जितना भी जगह थी वहाँ उनके चार्ज में। 9 नंबर जो है वो SPG के लिए आरक्षित रहता है। इसी तरह से वहाँ एक हेलीपैड भी है, वहाँ से एक सुरंग भी सफदरजंग एयरपोर्ट को जाती है। 5 बंगले मिलाकर बनाए गए थे। राजीव गांधी के समय से प्रधानमंत्री वहाँ रहने लगे थे। जब वाजपेयी जी आए तो उन्होंने पंचवटी एक ऑडिटोरियम बनाया, पूरे बंगले को भी पंचवटी उस वक्त कहा जाने लगा था। तो जो पीएमओ ने ट्वीट किया है पहले वो देखिए। पीएमओ ने ट्वीट किया है कि देयर वाज ए माइनर फायर एट 9 लोक कल्याण मार्ग कॉज्ड बाय ए शॉर्ट सर्किट। दिस वाज नॉट इन पीएम्स रेजिडेंशियल और ऑफिस एरिया बट इन द SPG रिसेप्शन एरिया ऑफ LKM यानी लोक कल्याण मार्ग कॉम्प्लेक्स। 9 नंबर में SPG के लोग रहते हैं, इसलिए 9 नंबर की उन्होंने बात की। द फायर इज़ वेरी मच अंडर कंट्रोल नाउ, यानी आग बुझाई जा चुकी है, कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। SPG के रिसेप्शन एरिया में आग लगी थी, 9 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ फ़ौरन पहुँची, आग बुझा दी गई है। ऐसे में चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इनकवर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।